हेलो फ्रेंड्स सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ कल्चर पी टी थ्री सिक्सटी फाइव सो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ जो भी इनिशिएटिव है यूनेस्को के वो देख लेते हैं तो सबसे पहला जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल जिसको राम टेम्पल भी बोला जाता है ठीक है और ढोलावीरा उनको जो है अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में फिर डाल दिया गया है ओके सो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो इन दोनों साइट्स को इंक्लूड करके इंडिया की जो है चालीस साइट यूनेस्को के अंदर आती है पहले कितनी थी थर्टी एट थी ठीक है और अभी इंडिया की चालीस जो फोर्टी साइट्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती हैं पहल थर्टी टू कल्चरल साइट्स है सेवन नेचुरल साइट है और वन जो है हमारी मिक्स्ड साइट है ठीक है इटली जो है इटली में सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा साइट्स इटली की हैं फिर उसके बाद चाइना की उसके बाद जर्मनी की आ, मतलब ऐसे जो है सबसे ज़्यादा अगर साइट पूछता है कहाँ से हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में तो इटली से है और इंडिया की कितनी है फोर्टी साइट्स जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है अब ढोलावीरा जो है ये फर्स्ट साइट है हमारी एशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको ये टैग मिला है ठीक है तो ढोलावीरा जो है पहली साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए ढोलावीरा जो है ये पहली साइट है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब पहली साइट है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार हरप्पन सिविलाइजेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर उनकी साइट या फिर कुछ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो लोकेशंस होते हैं वो प्लेसेस होती हैं जिनकी यूनिवर्सल वैल्यू बहुत ज़्यादा है मतलब आप अगर पूरे वर्ल्ड में वो बहुत फेमस है ये सिग्निफाई करते हैं कि जो भी हमारी कल्चरल जो भी हमारी ट्रेडिशनल जो भी हमारे पहले के जमाने के जो भी लोग आए थे जो भी कल्चरल साइट उन्होंने इस्टेब्लिश की थी ठीक है भले वो रिलीजियस हो भले वो कैसा भी हो और और जो भी उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस है जैसे गार्डन वगैरह हो गया आप कहीं दिल्ली में जाएंगे तो रेड फोर्ट में के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे गार्डन्स वगैरह बहुत अच्छे बने हैं ठीक है उनका एक्सेप्शनल वैल्यू होता है ये सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज़ में नहीं होता जो अदर बाउंड्रीज़ हैं जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वहाँ तक होता है और ये हमारे हमको इनको प्रिजर्व करके रखना है और फ्यूचर जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन के लिए बताना है कि ये जो था हमारा कल्चर जो था वो बहुत रिच था एट द टाइम ऑफ एंशेंट एनशियन एट द टाइम ऑफ एंशेंट ओके सो ये हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर को प्रेजेंट करें और फ्यूचर जनरेशन को बताएं कि ये हमारा कल्चर होता था क्योंकि तो आजकल का इतना ज़्यादा है नहीं लोग कल्चर धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें क्योंकि वेस्ट इतना ज़्यादा वेस्टर्न चीज़ें अपना रहे हैं में मतलब वही है ना कि जब बहुत सारे हमारे शोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत सारे हमारे आ, आ, वो रिफॉर्मिस्ट हैं उन्होंने यही बोला कि आपको दोनों को मिक्स करके चलना है मतलब अपने कल्चर को भूलना नहीं है कि आप वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में आप कल्चर को भूल जाए तो उस कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखना है ये साइट्स जो हैं यूनेस्को नॉमिनेट करती हैं एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर जो जिसको बोलते हैं कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज जो कि 1972 में अडॉप्ट किया गया था अब नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है ठीक है नॉमिनेट कौन करती है यूनेस्को करती है नॉमिनेटेड प्रो, नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है टेंट टेंटेटिव लिस्ट बनती है यह पहला स्टेप है जहाँ पर कंट्री जो है मस्ट टेक बाई मेकिंग एंड इन्वेंट्री ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट नेचुरल एंड कल्चरल साइट्स लोकेटेड विद इन इट्स बाउंड्रीज तो पहला स्टेप क्या है कि कंट्री जो है अपने uh, जो भी इम्पोर्टेंट नैचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं जो भी उनके बाउंड्री के अंदर लोकेटेड है उसका एक इन्वेंट्री बता इन्वेंट्री बता बनाती है फिर नॉमिनेशन फ़ाइल आफ्टर जब भी उसके उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर यूनेस्को इंक्लूड्स अ प्रॉपर्टी टेंटेटिव लिस्ट अगर यूनेस्को ने इंक्लूड कर लिया है टेंटेटिव लिस्ट में उसके बाद कंट्री जो है नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और मैप वगैरह होते हैं और फिर वो एडवाइजरी बॉडी के पास जाता है इवेल्यूशन के लिए फ़ाइनल इंस्क्रिप्शन क्या होता है जैसे ही साइट जो है नॉमिनेट होती हो जाती है इवेलुएट हो जाती है तो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के हाथ में होता है कि वो फाइनल डिसीजन ले कि वो जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा ओके okay? तो टेंटेटिव लिस्ट जो कंट्री पहले वो करती है फिर नॉमिनेशन फाइल यूनेस्को जो है पूरा नॉमिनेट करता है नॉमिनेशन करता है और फिर उसके बाद इवेलुएट करते हैं फिर फाइनल इंस्क्रिप्शन जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है वो फाइनल डिसीजन लेती है कि आपको वो इंस्क्राइब करना है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या नहीं करना है ओके okay? इतना समझ में आ गया अब यूनेस्को टैक्स जो है मिल जाता है तो क्या इंपॉर्टेंट है उसका क्या मतलब है तो सबसे पहली बात ये इंटरनेशनल और नेशनल टूरिज्म को बूस्ट करेगा तो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि लोग आएंगे देखेंगे तो हमारे यहाँ Uh, पैसे आएंगे तो फॉरेन करेंसी फॉरेन एसेट्स भी आएंगे ठीक है uh, मतलब एफ uh, मतलब फॉरेन एसेट्स वगैरह भी आएंगे ठीक है और ओनली टू दीज साइट बट ऑल्सो द अदर हिस्टोरिकल साइट्स जो है हमारे स्टेट्स की वो भी देखा जाएगा बहुत सारे टूरिस्ट जो है ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट करते हैं हमारी बे जो भी बेटर एमिनिटीज हैं उनकी तरफ और बहुत ज़्यादा मनी ले आते हैं उस जहाँ पे आते हैं वंस अ साइट जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अगर जोड़ा जाए तो प्रेस्टीज जो है वो हमको हेल्प करता है कि हम जो है अपने सिटीजन्स अपने uh, अपने सिटीजन्स के लिए अवेयरनेस बढ़ा सकें और गवर्नमेंट के लिए हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए कंट्री जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी रिसीव करती है एक्सपर्ट एडवाइस जो है वर्ल्ड हेरीटेज कमेटी से वो भी uh, रिसीव करती है कि जो भी हमारी वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट में जो भी साइट्स जुड़ी हैं उनके लिए क्या प्रिजर्व कैसे प्रिजर्व करें क्या क्या स्टेप्स लें ये इंस्क्राइब साइट ऑल्सो गेन प्रोटेक्शन अंडर इंस्क्राइब साइट्स जो है वो जेनेवा कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्शन मिलता है अगर uh, वो के टाइम पे उनका डिस्ट्रक्शन हो गया है तो उसके बाद जो है वहां से भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है नाउ लेट्स कम टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है इंडिया की वो कौन कौन सी है तो हमने देखा चालीस साइट्स है 40 साइट्स साइट साइट तो ये देख लेते हैं सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं ठीक है चंडीगढ़ से तो चंडीगढ़ में आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ले और बूसियर ठीक है ये है फिर राजस्थान में कलादियो नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि आपको याद करना है जंतर मंतर जयपुर में है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ठीक है और फिर जय जयपुर फिर गुजरात की बात करें तो चम्प नगर चंप चम्प मानर पावागढ़ आर्क्योलॉजिकल पार्क रानी का वह वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद और ढोलावीरा तो ढोलावीरा जो है अभी लेटेस्ट जोड़ा गया है महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अजंता केव्स एलोरा केव्स एलिफेंटा केव्स मैंने एलोरा केव्स आपको बताया था ठीक है एलिफेंटा केव्स छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स वेस्टर्न घाट्स एंड विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंड असेंबल ऑफ मुंबई गोवा की बात करें तो ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी में भी वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु की बात करें तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम बहुत न्यूज में था ठीक है एक टाइम पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन घाट्स मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट साची बहुत इंपॉर्टेंट है और रॉक शेल्टर ऑफ भीमेट का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में सन टेम्पल कोनार की यह सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में तेलंगाना में काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल जिसको रामप्पा टेम्पल बोला जाता है ये जो है अभी जुड़ा है हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और नेशनल नेरवन नेशनल पार्क और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क ये ओनली हमारी नेचुरल साइट्स हैं जो कि सिक्किम मतलब सिर्फ एक ही नेचुरल साइट है हमारी आपको पता होगा यूनेस्को के अंदर तो ये जो है, कंचन जंगा है ठीक है फिर आते हैं बिहार में महाबोधि टेम्पल बोधिया ठीक है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है uh, दिल्ली में हुमायूं स्टॉम कुतुब मीनार और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स तो दीज आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमारी जो साइट्स है वो है ठीक है तो पहले सिर्फ जो हमारी कंचन है वो सॉरी कंचन जंग है वही बस मिक्सड साइट है बाकी थर्टी टू कल्चरल साइट्स हैं और नेचुरल साइट्स कितनी है सात है ठीक है तो याद हो गया तो अभी रिसेंटली कौन सी जोड़ी गई है सॉरी तो रिसेंटली जो जोड़ी गई है वो है हमारी रामप्पा टेम्पल तेलंगाना से जिसको ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल बोलते हैं और मिक्स साइट जो वो और एक वीरा है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट है यूनेस्को में जोड़ी गई है नाउ लेट्स कम टू रीसेंट रिलेटेड न्यूज तो रिसेंटली यूनेस्को ने एक हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है ग्वालियर और ओरछा सिटीज़ जो है मध्य प्रदेश के लिए लॉन्च किया है ग्वालियर जो है वो स्टेब्लिश नाइन्टीन सें, नाइन्थ सेंचुरी में हुआ था जो कि गुज्जर प्रतिहास जो रूलर्स थे वो रूल करते थे फिर राजवंश फिर तोमर बघेल फिर सिन्दियास आए ग्वालियर जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेसेज और उनके टेम्पल्स के लिए जाना जाता है इंक्लूडिंग सास सासभा टेम्पल वहीं पर है ओरछा जो है वो बुंदेलखंड रीजन में है मध्य प्रदेश के ओरछा जो है वेतवा रिवर के पास सिचुएटेड है ठीक है और ये फेमस स्पॉट्स है राजमहल जहांगीर महल रामराज टेंपल राय प्रवीण टेंपल महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर ठीक है अब जो हमारा हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है वो 2011 में स्टार्ट हुआ था कि हमारी जो हेरिटेज रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना है ठीक है अगर एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के कॉन्स्टेंटली तो उनको जो है मैनेज करना है और इट इज़ बेस्ड ऑन द एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेयरिंग एंड इंटरकरेक्शन ऑफ नैचुरल एंड क्चरल टेंजिबल इंटेंजिबल इंटरनेशनल और लोकल वैल्यूज प्रेजेंट इन इंडिया मतलब आप जो भी नेचुरल कल्चर और ये सब प्रेजेंट है आप उनको जो है प्रोटेक्ट करना है अब सिग्निफिकेंस क्या है ऑब्वियसली अर्बन हेरिटेज है उसको इंटीग्रेट करना है उसको इंकरेज करना है उसको एनहानस करना है केमिकल जो ट्रीटमेंट है हिस्टोरिक स्पॉट्स का वो भी करना है आ, मतलब वो भी देखना है यूनेस्को जो है सजेस्ट करते हैं बहुत सारे मेजर्स कि आप कैसे अपने हिस्टोरिकल डेवलप कर सकते हो एक्सटेंसिव सर्वे वर्क करना है और मैपिंग ऑफ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक ओके सो दिस इज द रिलेटेड न्यूज नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज में में कुछ और भी है तो Liverpool, Liverpool है 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 तो रिसेंटली जो यूके ठीक यूनाइटेड किंगडम वो जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है ठीक है Liverpool जो है यूनाइटेड किंगडम में जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है क्यों रिमूव करना है डिसीजन वॉज टेकिंग कंसर्न कि उसका जो है ओवर डेवलपमेंट कर दिया गया है इंक्लूडिंग प्लान्स फॉर अ न्यू फुटबॉल स्टेडियम लिवरपूल जो है वो एड किया गया था वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट में टू थाउजेंड फोर में ठीक है और वो वर्ल्ड का मेजर ट्रेडिंग सेंटर था एटीनथ और नाइन्टीन सेंचुरी में ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी वगैरह जो यूज़ करते थे ये जो है ऑनली थर्ड लोकेशन था जो कि वर्ल्ड हेरीटेज स्टेटस जो है लूज़ किया था आफ्टर द अरेबियन ऑक्सी सेंचुरी इनोबा एंड एल्बे वैली इन ड्रेस्टेन जर्मनी ठीक है इन दोनों साइड्स भी रिमूव हुई थी उसके बाद ये लिवरपूल जो है यूके में है वो जो है रिमूव कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से नाउ लेट्स कम टू अब रुद्रेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जोड़ा गया है तो रुद्रेश्वर टेम्पल जिसको राम अपा टेम्पल भी बोलते हैं ये कहाँ का है तेलंगाना का है वारंगल के टाइम पे और ये काकातिया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बिल्ड किया गया है ठीक है जहाँ पे हम बहुत सारे फ्लोटिंग ब्रिक्स फ्लोटिंग ब्रिक्स मतलब जो ब्रिक्स जैसे देख लेते हैं यहाँ पे जैसे ब्रिक्स जुड़े हुए हैं दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग

ये जो है साइन स्टोन टेम्पल है जो कि रामलिंगेश्वर स्वामी को डेडिकेट किया गया है रामप्पा जो है वो मेन शिवा टेम्पल है इन अ लार्जर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत सारे स्मॉलर स्मॉलर टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी हैं टेम्पल जो है वो बिल्ड हुआ है सिक्स फीट हाई स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म में स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आपको यहाँ पे जिसमें बहुत सारी कार्विंग्स बनाई गई हैं इन, इन, इन यहाँ पे विमान भी इंक्लूड हुआ है हॉर्जोन स्टेप टॉवर ठीक है विमान ये देखिए ये है दैट इज कॉल्ड विमान ओके okay? विमान भी इंक्लूड किया गया है तो जिसको शिखर बोलते हैं हम उसमें नॉर्दर्न नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में ये लाइट वेट पोरस ब्रिक्स हैं और लाइट वेट पोरस ब्रिक्स हैं इसीलिए उनको फ्लोटिंग ब्रिक्स बोला जाता है ब्रिक्स uh, जो है इनसे बने हुए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है uh, चैम चैम्बर जो है टेम्पल का वो इस क्राउंड बाई अ शिखरम एंड सराउंडेड बाई अ प्रदक्षिणा पथ प्रदक्षिणा पथ मतलब ऐसे एम्बुलटरी प्रॉसेस से आपका वो है ठीक है हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी है इलस्ट्रेशन ऑफ रीजनल डांसेस और कस्टम्स और ककातीय कल्चर फेमस इटालियन मर्चेंट ने uh, जो एक्सप्लोरर मार्को पोलो थे उन्होंने रिमार्क किया था कि टेम्पल जो है uh, वो ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मिडिवल टेम्पल्स ऑफ द डेक ठीक है ब्राइटेस्ट स्टार है मतलब इसको किसने बोला था मार्को मा, मार्को पोलो ने बोला था ओके सो so दिस इज रुद्रेश् टेम्पल अबाउटियास की अगर बात करें तो ककातियास जो है वो पॉलिटिकल सक्सेसर थे किसके चालुक्यास के जो कि तेलुगु स्पीकर्स थे स्पीकरियास जो थे होयसाला और यादवास जो थे ये अपने आप को रूलर उन्होंने अनाउंस किया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम चालुक्यास उस टाइम चालुक्यास था तो इन्होंने अपना रूलर आ, रूल अपना रूल जो है अकेले इंडिपेंडेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कातिया जो थे वो मोस्टली ईस्टर्न डेकन रीजन में रहते थे जो कि प्रेजेंट डे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें और उड़ीसा और कर्नाटका इनकी कैपिटल जो थी वो थी क्या थी और विच इज नोन एज वारंगल मोटू जो है वो चीफ पोर्ट था हमारे काकातिया का और इस पोर्ट्स इस पोर्ट्स पे मार्को पोलो जो है विजिट किए थे तो मोटू जो है वो काकातिया से रिलेटेड याद रखिएगा काकातिया से और ये चीफ पोर्ट था हमारे किसका काकातिया रूलर्स का इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ काकातिया डायनेस्टी तो सबसे पहले प्रोला टू आए थे ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे हमारे काकातिया डायनेस्टी के फिर रुद्रद्रेव आए थे आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे इन्होंने इनका बहुत सारे एक्सप्लॉयट्स जो है वो फेमस इंस्क्रिप्शन रिदवेश्वर टेम्पल

थी, थी और वो क्वीन बनी थी इंडियन हिस्ट्री की ठीक है इन थीन जीरो थ्री अलाउद्दीन खिलजी जो है आ, इन्वेट कर लिया था उन्होंने काकातिया टेरिटरी को और जहाँ पे वो एंड हो गया था अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं काकातियाज का टू आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर तो काकातियाज जो थे उन्होंने सबसे पहली बार स्टेलेट टेम्पल जो है फॉर्म किया था मतलब उन्होंने स्टेलेट टेम्पल फॉर्म आ, ले आए थे और उन्होंने वे सारा स्टाइल ऑफ विमान जो था उसको आ, जो हमारे चालुक्याज यूज़ करते थे उसको उन्होंने यूज़ किया एडोप्ट किया ठीक है और ये सिंपल मटेरियल यूज़ करते थे जो भी फाउंडेशन बनाना है उनको अगर किसी भी टेम्पल uh, का तो वो बहुत फेमस uh, बहुत सिंपल मटेरियल यूज करते थे ठीक है वेल प्लान इरीगेशन सिस्टम था ठीक है डिवाइड ऑफ एनी पेरिनील वाटर सोर्स किसी मतलब पेरीनियल मतलब कि जो हमेशा ही बेहतर रहता है वैसा कोई वाटर सोर्स नहीं था मतलब उस वैसा कोई वाटर सोर्स था ठीक है रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट uh, किया है मिशन काकातिया जो भी टैंक्स है इरीगेशन नेटवर्कस है उनको रिस्टोर करने के लिए तेलुगु लिटरेचर जो है वो हमारी पे मतलब बहुत ज्यादा पीक पे था उस टाइम पे नित, नित, नित जो है ऑथर्ड फिफ्टी थ्री एडी बाई है वो हमको अंडरस्टैंडिंग बताते हैं हमारा देशी डांस ट्रेडिशन कैसा था जैसे कि दीज डं, डं, तो आर द सम फेमस डांस तो दिस इज द रामापा टेम्पल का के बारे में बता दिया एंड एंड वॉट काकातिया का आर्किटेक्चर और वो अब आते हैं ढोलावीरा ढोलावीरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो कि हमेशा न्यूज में रही है तो ढोलावीरा जो है वन ऑफ द मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन हरोप्पन सिविलाइजेशन साइट है ठीक है ये जो है गुजरात में सिचुएटेड है ठीक है ये डिस्कवर किसने की थी जगतपति जोशी तो याद कर लीजिए किसने डिस्कवर की थी जगतपति जोशी ने डिस्कवर की थी एंड ढोलावीरा बताए कि एंटायर जो हमारी प्लानिंग है ए, मतलब हिस्ट्री ऑफ हरप्पन सिटीज़ है फ्रॉम फ्राम हरप्पा टाउन प्री अर्बन फेस टू हाइट ऑफ द हरप्पन एक्सपेंशन एंड द लेट हरप्पन इज ऑब्जर्व तो ढोलावीरा हर जगह ऑब्जर्व की गई है अब की फीचर्स बताए तो सबसे पहली बात टाउन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने वॉल्ड सिटी वॉल्ड मतलब वॉल मतलब जो हमारा हॉरिजोनटल मतलब वर्टिकल वॉल्स होते हैं वैसे बना हुआ है वॉल्ड सिटी है और मेंट्री टू द वेस्ट ऑफ द सिटी सीमेंट्री जो है वेस्ट साइड में है वॉल सिटी जो है कंसिस्ट ऑफ फोर्टिफाइड कैसल एंड विथ अटैच्ड फोर्टिफाइड बैली ठीक है फोर्टिफाइड कैसल वगैरह है और फोर्टिफाइड बैली आउटर वॉल जो है वो बहुत सिमिलर है हरप्पन सिविलाइजेशन हरप्पन सेटलमेंट जो कालीबंगलन में है एंड सेरिमोनियल ग्राउंड है फोर्टिफाइड मिडिल टाउन है और लोअर टाउन भी है ठीक है बहुत सारे रिजर्व वॉयर्स प्रेजेंट है ईस्ट एंड साउथ ऑफ सिटीडल ठीक है सिटीडल आपको पता होगा कि सिटीडल जो है अपर वाला पार्ट रहता था, था और नीचे जो कॉमन

अब आते हैं आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो बीट प्रोसेसिंग वर्कशॉप आर्टिफैक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड पाए गए हैं डिज़ाइन जो है एग्जीक्यूशन लोकल मटीरियल भी पाए गए हैं जो हमारे लोकल मटीरियल को हार्नेस करते हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इज द इन द आइलैंड ऑफ खादिर जो कि स्ट्रैटेजिक है बहुत सारे रॉ मटेरियल और मिनरल्स मिलते हैं और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करते हैं अब अदर फीचर्स सेटलमेंट लाइक सुर जो कि गुजरात में ही है वो इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारे इंस्पिरेशन जो है उन्होंने ढोलावेरा से लिए स्ट्रेटिफाइड सोशल ऑर्डर है जो कि डेमॉन्स्ट्रेट किया गया है वॉल्स जो है वो सैंडस्टोन और लाइम से बनी है इंस्टीट्यूट ऑफ मडब्रिक एंड सम यूनिक फीचर्स है ढोलावेरा की जैसे कि वाटर रेजर का कैसकेडिंग सीरीज आउटर फोर्टिफिकेशन है टू मल्टीपर्पज ग्राउंड है नाइन गेट्स है थ यूनिक डिजाइन के कुछ इंपॉर्टेंट वो है अर्लीएस्ट तो हरपन, है, हरपन, culture, क्योंकि हरपन जो है पहली साइड डिस्कवर की गई थी जो कि यूनिक थी इसको ब्रोंस एज सिविलाईशन भी बोलते हैं जिसके तीन डिस्टिंग फेजेज आए थे तो तीन डिस्टिंग कौन से अर्ली हरप्पन फेज फिर मेच्योर हरप्पन फेज फिर लेट हरप्पन फेज फेज ठीक है ये जो है फोर्ट अर्बन फोर हमारी जो कंटेम्प्रेरी अर्बन सिविलाइजेशन है उनका फो, पार्ट है जैसे कि इजिप्ट मेसोपोटामिया चाइना और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड और कैलकुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे ट्रेड और कमर्शियल लिंक्स बहुत ज़्यादा था साउथ इंडिया और वेस्ट का और ये वीट और बारले जो है पीस सीसम मस्टर्ड और राइस जो है इन, ये प्रोड्यूस करते थे और बहुत सारे मटीरियल्स जो है हरप्पन सिविलाइजेशन में बीड्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे जैसे कि जेस्पर क्रिस्टल क्वार्स टेलाटाइट मेटल्स लाइक कॉपर ब्रोजर कॉल्ड ये सब जो है यूज किए जाते थे ठीक है अब इंडिया में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हरपन साइट्स हैं वो देख लेते हैं तो सबसे पहली हरपन ठीक है तो सबसे पहली है राखी ठीक है राखी गिरी है फिर उसके बाद बनावली है फिर मोहन जोदाड़ो मोहन जोदाड़ो और ढोला मोहन जोदाड़ो कहाँ पे है पाकिस्तान में कोट डिजी पर पाकिस्तान में ढोलावीरा गुजरात में है लोथल हमारी ढोलावीरा गुज, गुजरात में लोथल गुजरात में है नागेश्वर जो है वो हमारी आ, उधर साइड आती है चन भी पाकिस्तान में आती है कालीबंगन जो है यहाँ पे आती है ठीक है तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स राखी गिरी हरियाणा में आती है ठीक है तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको याद रखनी है नाउ लेट्स कम टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तो अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट कौन कौन सी है किसमें जोड़ा गया अब टेंटेटिव लिस्ट जो है यूनेस्को की हम वो पढ़ते हैं तो अभी छः साइट्स जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आ, दिया था यूनेस्को को तो यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है सिक्स साइट जो कि वो इंक्लूड करेंगे टेंटेटिव लिस्ट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट की साइट्स की उनमें इंक्लूड करेंगे आ, विच इज़ रिक्वायरमेंट बिफोर द फाइनल नॉमिनेशन ऑफ एनी साइट ठीक है तो अब टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की कौन सी पांच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जोड़ना है तो मध्य प्रदेश की जो है घाट लमेटा घाट इन नर्मदा वैली घाट और लमेटा घाट जो है नर्मदा वैली में उसको फिर सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की दो साइड महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर कर्नाटका की मेगाथिक साइट ऑफ हायर बेंकल तमिलनाडु की टेंपल्स ऑफ कांचीपुरम उत्तर प्रदेश के आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक वाराणसी तो दीज आर द सिक्स साइट्स जो कि वो जोड़ेंगे अब आते हैं सबसे पहले हम इन सिक्स साइट्स के बारे में जान लेते हैं ये क्यों क्या है आइकॉनिक रिवर फ्रंट फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है ठीक है याद कर लीजिएगा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में ये क्या है सिक्स किलोमीटर रिवर फ्रंट है जो कि रिवर गंगा का है ठीक है और ये प्रेजेंट uh, है अ व्यू ऑफ मैग्निफिशियंट आर्किटेक्चुर रॉ ऑफ लॉफ्टी बिल्डिंग्स होली साइट्स एंड घाट्स एटी फोर स्टेप्ड घाट्स हैं यहाँ पे जो कि यूनिक टाइपोलॉजी से बने हुए हैं फाइव घाट्स को पंच तीर्थिस बोला जाता है जो एंशियन टेक्सटा मार्च से पुराना उसमें बोला जाता है अस्सी अब उसके लोकेशन के लिए बनाया जा बोला जाता है दश दस शव जो कि जहाँ पे ब्राह्मण जो ब्रह्म जो थे ब्रह्म जो थे वो टेन हॉर्सेस सेक्रीफाइस से किया था फिर मनी कर्णिका जहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड होता है पंचगंगा जहाँ पे पांच गंगा गंगा का फाइव रिवर्स का मीटिंग पॉइंट है गंगा यमुना सरस्वती किरण और धुतपरा आदि केशव जो कि लॉर्ड विष्णु के ओरिजिनल साइट है अब बिसाइड हिंदुज़म अगर बात करें तो वाराणसी जो है बहुत सारे कल्चरल स्परिचुअल और रिलीजियस ट्रेडिशन के लिए भी जाना जाता है लॉर्ड बुद्धा जो है यहाँ पर पहली सरमन प्रोवाइड किए दिए थे अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन अगर बात करें तो उनका बर्थ फोर्थ जैन तीर्थ तीर्थंकार जो थे उनका बर्थ भी यहीं पर है सुपर स्नाथ चंद्र प्रभु श्रेयसनाथ एंड परशनाथ ठीक है गुरु नानक जो है वो विज़िट किए थे यहाँ पे वाराणसी में ट्वाइस आलमगी जो मॉस्क है और पंचगंगा घाट है ये बिल्ड किया था मुगल एम्प्रर औरंगजेब ने यहीं पर ओके okay, तो अदर ट्रेडिशन भी हैं कुछ कुछ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है जो आपको याद रखनी है अब टेम्पल ऑफ कांचीपुरम कहाँ पर है तमिलनाडु में है जो कि कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है वेगावती रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है और ये हिस्टोरिक टेम्पल है कांचीपुरम का जिसने वन थाउजेंड है एक टाइम पे वन थाउजेंड थे अब वन ट्वेंटी सिक्स है कांचीपुरम जो है वो कैपिटल है हमारे पालवा डायनेस्टी की आपको पता होगा पालवा डायनेस्टी की कैपिटल है और डेढ़ रावेडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है आउट ऑफ इलेवन टेम्पल्स की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जैसे कैलाश कैलाश नाथर टेम्पल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको फालवा किंग जो थे राजसीमा नरसिमन वर्मन टू बोला जाता है उन उनको उन्होंने बनवाया था ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे काचीपुरम का और ये टेम्पल जो सैंगटम है वो बहुत यूनिक सिक्सटीन साइडेड शिवलिंगा को कंटेन करता है जो कि ब्लैक ग्रेनाइट से बने हुए हैं तो कैलाश नाथ टेम्पल कहाँ पे है तमिलनाडु में फिर एकम्बरेश्वर टेम्पल जो कि वन ऑफ द फाइव शिव टेम्पल में से एक है ऑफ पंचभूता स्थालम बोलते हैं इसको आ, ये टेम्पल जो है राजा गोपुरम जो यहाँ पे जो टेम्पल है वो गोपुरम जो है बहुत टॉलेस्ट है गोपुरम मतलब मेन गेट्स जो होते थे एंट्रेंस वाले वो बहुत ज़्यादा टॉलेस्ट है साउथ इंडिया में क्योंकि मंडप जो है हम नॉर्थ इंडिया में बोलते थे साउथ इंडिया में हम उनको गोपुरम्स बोलते थे तो बहुत ही लार्ज बहुत ही लार्जेस्ट गोपुरम्स जो है यहीं के हैं जो कि बिल्ड किया था विजयनगर किंग ने कृष्ण राय ने बिल्ड किया था वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स अगर बात करें तो आयरम काल मंडपम जो है जो कि हॉलवे विथ अ थाउजेंड पिलर जहां पे बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं, फिर वरद्रज पेरुमल टेम्पल ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है ठीक है यहाँ पे सारे ट्वेल्व अलवर सीन्स जो थे वो विजिट किए थे इट इज़ इट हैज़ अ हंड्रेड पिलर मंडपम बिल्ड बाय विजयनगर विजयनगर किंग्स ठीक है तो हंड्रेड पिलर्स हैं हंड्रेड पिलर, पिलर मंडप है जहाँ जिसको किसने बिल्ड किया था विजयनगर किंग ने बिल्ड किया था ठीक है उलगाधा पेरूमल टेम्पल ये यूनिक फीचर है हमारे फोर दिव्य देशम से ठीक है टेम्पल जो है विष्णु वामन अवतार को डेडिकेट किया गया है और कांचीपुरम सिल्क वीविंग के लिए भी बहुत फेमस है ठीक है तो ये हो गया तमिलनाडु में कांची टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कैलाशनाथ टेम्पल ए, ए, एकम्बेश्वर टेम्पल फिर वरदराज टे, पेरूमल टेम्पल उलग पैरूमल टेम्पल ठीक है तो ये भी आपको याद करना है क्योंकि आई नो आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनन्सिएशन ऑफ इट बट आपको याद करना है ओके okay? फिर मेगालिथिक साइट्स जो है ऑफ हायर बेंकल कर्नाटका की तो ये साइट्स जो है वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेगालिथिक ब्यूरोल स्ट्रक्चर को कंटेन करती है जो कि मतलब जो पहले क्या होता था कि जो भी जिनकी भी डेथ हुई थी उनको दफनाया जाता था ठीक है जो कि सिचुएटेड किस पे ग्रेनाइट पेक पे बहुत सारे मैन वगैरह हुए हैं तो मेगा लिथिक जो है दो वर्ड से डिवाइड है मेगा मतलब लार्ज और लिथोस मतलब स्टोन तो ये जनरली कंस्ट्रक्टेड इटर एज ब्यूरियल साइट्स और कॉमोरेटिव मेमोरियल्स अनदर यूनिक फीचर्स जो है यहाँ का ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिगरिंगस वगैरह मिलते हैं साइट्स जो है एक्सेप्शनल इनसाइट प्रोवाइड करता है हमको इंडिया uh, इंडिया की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में इन In इंडिया मेगा जो है वो पेनिसुलर साउथ डेकन प्लेट्यू विंध्यास और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है इंडियन सब का वहाँ हमको मिले थे ठीक है तो ये मेगेलेथिक साइट हो गए फिर भेड़ा घाट एंड लमेटा घाट इन नर्मदा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मध्य प्रदेश में है भेड़ाघाट जो है ओनली प्लेस है जहाँ पे रिवर नर्मदा जो है थर्टी मीटर ऊपर से गिरती है ठीक है और धुआंधार फॉल बनाती है आ, जो भी भेड़ाघाट एरिया है वो ओनली रीजनल मेटामॉर्फिक ओनली एग्जांपल ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म है लाइमस्टोन से बना हुआ है डायनासोर फॉजल्स भी यहाँ मिलते हैं और नर्मदा जो है ओरिजिनेट अमरकंटक से होती है और रिफ्ट वैली में फ्लो करती है बिटवीन द सतपुरा एंड द विध्याज रेंज ये इसको ग्रैंड कैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे बोलते हैं क्यों बोलते हैं ग्रैंड कने क्योंकि मार्बल्स रॉक जो है वो परपेंडिकुलर जो है दोनों परपेंडिकुलरली है दोनों बोथ साइड्स में और वहाँ से बीच से जो है हमारी नर्मदा फ्लो हो रही है तो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं भेड़ाघाट को बोलते हैं याद रखिए ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं भेड़ाघाट को अब आते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है जो कि होशंगाबाद में लोकेटेड है सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है प्राइम एग्जाम्पल है सेंट्रल इंडियन हाईलैंड इको का सतपुरा को सेवन फोल्स के नाम इसका मतलब होता है सेवन फोल्स जहाँ पे वॉटर जो है नर्मदा ताप्ती रिवर के बीच में है और वो ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं ये डेकन बायोजोग्रफिकल जोन का पार्ट है और इट इज़ आल्सो नोन एज नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स ये जो है सेवेंटीन परसेंट इंडिया टाइगर पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं और ट्वेल्व परसेंट टाइगर हैबिटेट को सतपरा टाइगर रिजर्व जो है वो पहला बायोसफेर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश से डिक्लेयर किया गया था नाइनटीन में उसके बाद और ये तीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है इसके अंदर आते हैं सतपुरा नेशनल पार्क बोरी सेंचुरी पचमढ़ी सेंचुरी आर्कोलॉजिकल एविडेंस की अगर बात करें तो फिफ्टी रॉक शेल्टर्स हैं जहाँ जो कि फ़िफ्टीन टू थाउजेंड ई ईयर्स ओल्ड है ओके तो ये हो गया हमारा तस् सतपुरा टाइगर रिजर्व अब आते हैं मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र तो ये जो है फोर्टीन फोर्ट्स है यहाँ पे जो भी मिलिट्री आर्किटेक्चर है आ, और ये डिनोट करते हैं किंग छत्रपति शिवाजी इम्पोर्टेंट जो है उनमें से शिवनेरी फोर्ट है जो कि छत्रपति शिवाजी का बर्थ प्लेस है फिर अलीबाग और कलावा फोर्ट है जो कि नवल बेस है हमारे छत्रपति शिवाजी का फिर राजगढ़ फोर्ट है ये ए, ए, कुछ फोटो में से एक है जो कि मुगल्स के बाहर रखा गया था वैन शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर ठीक है एंड ऑल्सो लॉन्गेस्ट ऑक्यूपाइड बाई हिम नेटवर्क ऑफ फोर्ट जो है वो बहुत सारे हिल्स पे बने हुए हैं लैंड और सी पे और वे एक्सिलेंट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा लैंडस्केप जो है वो डेवलप किया गया था डेवलप किया फॉर डेवलप फॉर डेवलपिंग द गुर्ला वॉरफेयर मतलब वॉरफेयर के लिए डेवलप किया गया था जो strategy कि स्ट्रेटेजी किसकी थी शिवाजी की मराठा आर्मी और मराठा आर्मी की कि मुगल से जो है हम कैसे बचे इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो ये हो गया हमारा यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट नाउ लेट्स कम टू दुर्गा पूजा तो यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज रिसेंटली दुर्गा पूजा इनको दुर्गा पूजा को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जोड़ा है ठीक है तो सबसे पहले मोर ऑन न्यूज की अगर बात करें तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको ऑफर करता है कि जो भी हमारी दुर्गा पूजा आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज़्यादा होता है बट हर जगह स्टेट में हर कंट्री में हर स्टेट में होने लगा है मतलब वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दुर्गा माता की बहुत बड़ी पूजा रखी जाती है दुर्गा माता की बहुत बड़ी मूर्ति रखी जाती है और उसकी लोग पूजा करते हैं और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं ये सेलिब्रेटेड हो सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अश्विन और टेन डेज जो हैं दुर्गा रखी जाती हैं ये Uh, दुर्गा पूजा जो है पहली बार जमींदार जो है वो सेलिब्रेट uh, करते थे वेस्ट बंगाल में, में उसके बाद हर जगह सेलिब्रेट होने लगा अब हम देखते हैं कि 2000 थाउजेंड हाँ कल्चर हेरिटेज होता क्या है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को अगर बात करें तो कल्चर हेरिटेज का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ मॉन्यूमेंट्स है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है कल्चर हेरिटेज का ये मतलब होता है कि जो भी ट्रेडिशन है जो भी हम फॉलो करते हैं मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुर्गा रख दें और उसके बाद कुछ नहीं तो दुर्गा रखने के बाद जो भी हम वहाँ पर चीज़ें करते हैं जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं डांस होता है सॉन्ग है सॉन्ग बजते हैं फिर लोग आते हैं काली जी आती हैं बन के कोई भी पर्सन एक काली जी का रूप धारण करके आते हैं और उसके बाद वहां पे वो डांस करते हैं तो ये सारी चीजें जो है हमारी कल्चर हेरिटेज में आती हैं जो कि हमारे डिसेंडेंट uh, इंसेस्टर uh, से हमारे अभी तक में पास हुई हैं तो वो भले ओरल ट्रेडिशन हो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सोशल प्रैक्टिसज हो रिचुअल्स हो फेस्टिव इवेंट्स हो नॉलेज हो प्रैक्टिस हो सारी चीज़ें जो हैं हमारी कल्चर हेरिटेज में आती हैं अब इनटैजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या आती हैं उसको उसको यूनेस्को ने क्या बोला है ये मतलब ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी और लिविंग एट द सेम टाइम ठीक है इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव और कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल होनी चाहिए सबसे पहले तो हमारी जो अन, अल, जो हमारी पास जनरेशन थी उनके उनके उन, उनका जो ट्रेडिशन है वो होना चाहिए कंटेम्प्रेरी होना चाहिए ठीक है सेम टाइम पर निकला होना चाहिए मतलब इसका मतलब यही है कि जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है उनको पता होना चाहिए पहली बात तो ठीक है तो वो इंक्लूसिव होने चाहिए कम्युनिटी बेस्ड होने चाहिए क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड क्यों होने चाहिए क्योंकि हमारी एक साथ हमारी जो कम्युनिटी है एक साथ वो फंक्शन को है परफॉर्म कर सके ये नहीं कि एक कम्युनिटी ही बस परफॉर्म करिए ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल्चरल डाइवर्सिटी को मैंटेन करने का ग्लोबलाइजेशन uh, के बाद क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और हमारे जो है जनरेशन uh, हैं जो भी हमारे पॉपुलेशन है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर पाए हर कल्चर का तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अब हम देख लेते हैं 2003 थाउजेंड थ्री कन्वेंशन फॉर स्ट्रैटेजी ऑफ इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज तो इसके पाँच चार गोल हैं सबसे पहले सेफ गार्ड हमको प्रोवाइड करना है रिस्पेक्ट देनी है अवेयरनेस रेज करना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है अदर रिलेटेड कन्वेंशन की अगर बात करें तो 1972 का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है 2005 का कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन और इंडिया जो है सिग्नेटरी है सारे कन्वेंशन का ओके okay, अब देखते हैं कि कौन कौन सी चार एंट्रीज पहले कितनी थी तेरह थी अब जो है दुर्गा पूजा भी जोड़ दिया गया है तो अब कितनी एंट्रीज हो गई फोर्टीन एंट्रीज हो गई है बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए क्योंकि ये तो याद करना ही पड़ेगा तो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की अभी टू ट्वेंटी वन में जोड़ी गई है कुंभ मेला जो है वो हमारा 2017 में जोड़ा गया था योगा 2016 में नोरूज 2016 में ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स जो है हमारे पंजाब के वो 2014 में संकृताना जो है मणिपुर का वो 2013 में बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख का 2012 में फिर छाऊ डांस जो है वो हमारे मयूरभंज पुरुलिया यहाँ का है 2010 में जोड़ा गया काल कालबेलिया डांस जो है राजस्थान का दो में जोड़ा गया फिर मुडियत्तू जो है केरला का दो में एक मुडियत्तम भी होता है पर मुडियत्तू ही जुड़ा है याद रखेगा मुड़ियत्तु जुड़ा है फिर रमन फेस्टिवल जो है उत्तराखंड का 2009 में कुड़ियत्तम जो है केरला का है 2008 में रामलीला 2008 में और वैदिक चेंटिंग जो है वो भी 2008 में जोड़ी गई तो दीज़ आर द साइट्स जो आपको याद करनी है फोर्टीन साइट्स में से दुर्गा पूजा जो है अभी जोड़ी गई है ओके नाउ लेट्स कम टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ठीक है तो अभी रिसेंटली श्रीनगर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को ज्वाइन किया है अंडर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी के, के अंदर ठीक है अब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क क्या होता है ये जो है हमारी जो सिटीज़ है उनमें कोऑपरेशन बढ़ाती है उनको प्रमोट करती है कि वो भी जो भी उनके अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो भी वो सस्टेनेबल चीज़ें करते हैं कि बाद में फ्यूचर जनरेशन को लॉस ना हो ठीक है स्ट्रैटेजिक चीज़ें बनाते हैं तो इसलिए जो है यूसीसीएन जो है उनको रिकग्नाइज़ करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिएटिविटी और कल्चरल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना डेवलपमेंट के साथ ठीक है एट द इंटरनेशनल लेवल यूनेस्को जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस कल्चर एंड कम्युनिकेशन ये स्टैबलिश 1946 में हुआ था इसका हेड क्वार्टर जो है पैरिस में है फ्रॉम इंडिया अगर बात करें तो अदर जो सिटीज़ जोड़ी गई हैं जयपुर जो है क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए जोड़ी गई है वाराणसी और चेन्नई जो है म्यूज़िक के लिए मुंबई फिल्म के लिए हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी के लिए ठीक है और श्रीनगर जो है ये हमारी फिफ्थ साइट है जो कि जोड़ी गई है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अब जो है सेवन फील्ड्स जो है जिनके अंदर जो है यूनेस्को यू दिया जाता है तो म्यूज़िक के लिए लिटरेचर के लिए गेस्ट्रोनॉमी के लिए डिज़ाइन के लिए फिल्म के लिए मीडिया आर्ट के लिए एंड क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए ठीक है तो याद रखिएगा सेवन क्रिएटिव फील्ड्स है हमारे यू के अंदर तो हमारी कौन कौन सी साइट है श्रीनगर है जिसको क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए दिया गया है और uh, जयपुर है उसको भी क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए फिर वाराणसी और चेन्नई म्यूज़िक के लिए फिर मुंबई फिल्म के लिए एंड हैदराबाद गेस्ट्रोनॉमी के लिए अबाउट श्रीनगर की बात करें तो श्री श्रीनगर जो है बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें हैं वहाँ पर उनका होमलैंड है और बहुत सारे आर्ट्स और क्राफ्ट मिलते हैं लाइक पेपर मेकिंग कश्मीरी सॉल कश्मीरी सिल्क एंड आर्ट ऑफ वुड वक कश्मीरी कारपेट्स ये जो है कश्मीर वैली के सेंटर पे सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झीलम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है झीलम रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है बाय जॉइनिंग द नेटवर्क सिटीज़ जो है वो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे और डेवलप करेंगे पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के साथ सिविल सोसाइटीज़ के साथ जो भी उनका प्रोडक्शन uh, है उसको इनहस कर सकेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और डिसमिनेशन जो अपना कल्चरल है वो नीचे लेवल तक या फिर इंटरनेशनल लेवल तक अपना प्रमोट कर पाएंगे अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन तो मोर देन टू टिकेट्स अगर बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डेजिग्नेट किया, किया गया है डेजिग्नेट किया गया है डेजिग्नेट किया गया था इंडिया जो है रजिस्टर्ड है बहुत सारे टॉय ट्रेन के थ्रू तो इन, आ, मतलब ये जो टॉय ट्रेन है वो पहली बार स्विट्ज़रलैंड में आई थी उसी टाइप मतलब स्विट्जरलैंड के टाइप में ही हमारा जो ये टॉय ट्रेन है वो दार्जिलिंग में बना है आयरन शेरपा ब्लू स्टीम लोकोमोटिव ऑफ द दार्जिलिंग हेरिटेज साइट दी ये जो है द यूज ऑफ़ दीज लोग एनी इन द वर्ल्ड विल रिक्वायर रिटर्न परमिशन तो अभी उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जोड़ा गया है तो अगर कोई भी लोग बाहर के वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं इन लोगों को तो वो सिर्फ रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट की और पेमेंट

पोचमपल्ली विलेज जो है वो तेलंगाना में है वो वो भी सेलेक्ट हुआ था बीटीवी के लिए बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पोचमपल्ली जो है वो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया उसको बोला जाता है जो कि जहाँ पे एक ज, मतलब सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती हैं पोचमपल्ली पल्ली जो है उसको जी टैग भी मिला है आचार्य विनोबा भावे जो है भूदान मूवमेंट उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था ठीक है तो भूदान मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नाइनटीन में बहुत सारे टूरिज्म जो है तीन विलेज जो है जाते हैं फिर निज़ाम दीन बस्ती तो कंजर्वेशन इनिशिएटिव एट डेली निज़ामुद्दीन बस्ती बैग द यूनेस्को अवार्ड अंडर टू कैटेगरीज अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड स्पेशल रिकग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड के लिए um, मतलब उन्होंने मांगा है प्रोजेक्ट जो है वो रिस्टोर्ड ओवर ट्वेल्व uh, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ठीक है अराउंड द फोटीन सेंचुरी मुस्लिम ऑफ uh, सूफी सेंट्स हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ये अवार्ड जो है रिकोगनाइज़ करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो कि आपने हेरिटेज को प्लेस किया है एट द हार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वहाँ पर कोई कचड़ा वगैरह नहीं है सारी चीज़ें साफ़ है और आउटकम uh, uh, जो है कि बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं आपने हेल्थ इंप्रूव किया, well किया है एडुकेशन इंप्रूव किया है वेमेन और यूथ के लिए तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जामद्दीन बस्ती को मिला है ठीक है तो दिस इज़ द यूनेस्को आई थिंक कम्प्लीटेड पर्सनैलिटीज़ मैं कल कम्प्लीट करवाऊंगी एंड थैंक यू सो मच अगर कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि कल्चर में हम ऐसे ही पढ़ा सकते हैं कल्चर में आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कल्चर में आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा चीज़ें याद करनी पड़ेगी ओके सो थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मे ऑन द कमेंट सेक्शन ओके